हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज एक कहानी लेके आया हूँ आपके सामने में। राजस्थान, राजस्थान के रंग, रेगिस्तान, रेगिस्तान के अनोखे रंग रूप कलाकार। दोस्तों ये कहानी है राजस्थान के लोगों की, राजस्थान के कलाकारों की, राजस्थान के कलाकार और उनकी समस्याओं की। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में और आपको सुनाते हैं कहानी राजस्थान के कलाकारों की। अब हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। राजस्थान के लोक कलाकार, लोक कलाकार देश विदेशों में, बड़े शहरों में टीवी पे हर जगह अपना नाम कर रहे हैं। अब कहानी को ज़्यादा आगे पीछे नहीं घुमाएंगे दोस्तों, बढ़ते हैं राजस्थान के लोक कलाकारों की कहानी की तरफ, जो कि मेहनत और लगन और तपस्या का मेलजोल है मेरे दोस्तों। वर्षों की तपस्या से संगीत के अंदर प्रांगत मिलता है दोस्तों। इसी संगीत के जरिए रोजी रोटी, कपड़ा, मकान सभी जुटाया जाता है। सुनते हैं दोस्तों राजस्थान के अलग संगीत को, पेश है। चलता क्या है लेकिन बजाया कैसे जा रहा है दोस्तों, हाथ से बजाया जा रहा है दोस्तों। डमरू की तरह एक वाद्य यंत्र है ये, इंस्ट्रूमेंट कहते हैं इंग्लिश में इसको दोस्तों। अलग अलग यंत्रों से जो हाथ से बने हुए होते हैं, संगीत की एक अलग परिभाषा लिखी जा रही है। दूसरी तरफ रोजगार के लिए गाँव में यही कलाकार सरकारी योजनाओं में काम करते हुए नजर आते हैं और दोस्तों किसी भी प्रकार की सहायता इनको सांस्कृतिक संगीत को बचाने के लिए नहीं मिल रही है दोस्तों। लेकिन किसी तरह ये संगीत को जिंदा रखे हुए हैं और खुद भी जीवन यापन कर रहे हैं दोस्तों। आप देख ही सकते हैं गांवों में तालाबों से पानी पीने लायक होता है या नहीं होता है, लेकिन दृश्य दोस्तों बड़ा ही मनोरम दृश्य है। मगर इस दृश्य के पीछे सच्चाई क्या है शायद आप और हम तो जानते ही नहीं हैं। इन संगीत से जुड़े कलाकारों का जीवन कितना कठिन होता है दोस्तों। गांव में ना तो रोजगार है, ना ही बिजली है, ना ही पीने का पानी है दोस्तों। कई गाँवों में पानी पहुँच चुका है मगर रोजगार नहीं पहुंचा है दोस्तों। रोजगार के लिए सरकारी योजनाओं के या बारिश के या जमींदारों के भरोसे पर बैठे इन लोक कलाकारों का क्या होगा दोस्तों। इस कहानी के अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि लोक कलाकारों को सम्मान दें, बड़े ही कठिन परिवेश से ये आते हैं दोस्तों राजस्थान के लोक कलाकार। ये मेरा लोक कलाकारों को समर्पित वीडियो है दोस्तों। इसको शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।